So guys, this is Kamil and you're watching Cap Production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए कैपकट वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से आपको सबसे पहले इसे आपको ओपन करना है। सो कैपकट ओपन करने के बाद आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से अपना पिक्चर ऐड कर लेंगे जिस पिक्चर को आप एडिट करना चाहते हो। सो यहाँ से मैं अपना पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, तो ये मैंने अपना पिक्चर ऐड कर लिया और यहाँ पर इसको डिलीट कर लेते। सो पिक्चर ऐड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट पे स्क्रॉल करना है। आपको एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सो फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है एंड आप अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा नीचे फिल्टर मिलता है, आप इसे प्रीसेट कह सकते हो। आप यहाँ से प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रीसेट मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको आ जाना है बी एंड डब्ल्यू पर, ये मिलता है। सो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक फॉर कुछ ऐसा नाम का आपको एक प्रीसेट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो इस तरीके से एक आपकी फ़ोटो पर डार्क इफेक्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाया था। सो आप देख सकते हो, सो एक सिनेमेटिक इफेक्ट आपकी फ़ोटो पर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारा जो आपको प्रीसेट मिलता है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से मैं ये ब्लैक वाला अप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे अप्लाई कर सकते हो या आप यहाँ से कोई दूसरा जो है प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको करना है डन। सो और उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से सबसे पहले हम इसका ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। सो ब्राइटनेस को 10% एंड कॉन्ट्रास्ट को हम 3% कर लेते हैं। उसके बाद सेचुरेशन को हमें इंक्रीज करना है अराउंड 30% तक। और उसके बाद यहाँ से शार्पन को आपको थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है। सो एंड देन आपको यहाँ पर मिलता है शेडो। सो शेडो को आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद इसको सिंपली कर देना है डन, ठीक है। सो यहाँ से आ जाते हैं बैक। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने फोटो को काफ़ी इजीली एडिट कर लिया, लेकिन हम इस फोटो को कैसे अपनी गैलरी पर फोटो के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो इस फोटो को फोटो के फॉर्मेट में हमारी गैलरी पर सेव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले वीडियो के फॉर्मेट में आपकी गैलरी पर सेव होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे फोटो के फॉर्मेट में अपनी गैलरी पर सेव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा Connvert वीडियो एडिटिंग ऐप का। तो सबसे पहले आपको चला जाना है Connvert पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ Connvert पर। Connvert पर आने के बाद सबसे पहले क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप ये जो 9:4 दिखाई दे रहा है, सॉरी 3:4 दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके एक बैकग्राउंड एड कर लेना। सो ये मैंने एक बैकग्राउंड एड कर लिया। उसके बाद आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना पिक्चर ऐड करना है, जो पिक्चर आपने एडिट किया था सो कैपकट के अंदर, ठीक है। सो ये हमारा पिक्चर आ चुका है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्चर को पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको राइट साइड की तरफ यहाँ पर एक आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर एंड सेव, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो तो ये आप देख सकते हो, ये जो फोटो ये हमारी गैलरी पर फोटो के फॉर्मेट में सेव हो चुका है और इस तरीके से इसका क्वालिटी भी बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। सो आप इसे किसी भी सोशल मीडिया पर अभी अपलोड कर सकते हो एज ए फोटो। सो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप कैपकट के अंदर फोटो एडिटिंग कर सकते हो और फोटो एडिट करके कैसे आप उसे अपनी गैलरी पर फोटो के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।